अच्छा ये मायो पे माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही हैं और सेटअप भी बड़ा अच्छा हुआ हुआ है और डांस भी कर रही हैं, तो ये क्या पूरी तैयारी हुई थी क्योंकि ढोलकियों का कोई सेशन था लंबा? हमारी ढोलकियों का बहुत लंबा सेशन था। हाँ। मेरी शादी शुरू हुई है फरवरी में। अच्छा। और हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी अक्टूबर से। अच्छा। अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी। मामा ने कहा एक एक बेटी है। एक ही एक बेटी है, लेकिन हमें भी बहुत शौक है ना नाच गाने का, तो हम दोस्तों ने हमने कहा कि भरपूर एक ही शादी होनी है। ये क्लिप निकल के लग जाएगा, शर्मिला ने बोला हमें बहुत शौक है नाच गाने का। हम सबको ही है, हम सबको ही गाने का शौक है, हम सबको ही मतलब शादी में तो यार हाँ यही होता है ना, मतलब शादी में एंजॉयमेंट तो यही होती है ना। हाँ। उसके बाद तो हर चीज फिर रूटीन में आ जाती है। हाँ। तो हमने बहुत प्रैक्टिसेस करी, हम दोस्तों ने मिलके हम बड़ा एंजॉय करते थे रोज। हाँ। घर पे गाना ढोलकी। अच्छा, वो वाली दुल्हन थी जो होते ना, दुल्हन खुद जो है ना वो पूरा अपने साथ क्यू करके बैठी होती गाने। नहीं नहीं, तुम्हारे स्टेप्स टेली नहीं वाली दुल्हन है ना, तुम लोगों ने सही प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ा और टाइम दो, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, वो वाली। बल्कि बहुत सारे जो डांसर्स थे वो मैंने खुद कोरियोग्राफ। बेचारे कोरियोग्राफर बहुत अच्छे थे हमारे शेजी, लेकिन उसके साथ मैं भी अपना इनपुट देती रहती, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला डालो। हाँ। ये नहीं, ये वाला डालो, ये नहीं डालो। हाँ। हाँ, तो लेकिन बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा। सो मच फन, अब तक हम याद करते हैं यू नो। हाँ। तो अब हम सोच रहे हैं कि एक दोबारा से एक मेहंदी कर लें जिसमें हम अपने डांसेस रिपीट कर लें। और इतने दिनों से खुल के हो नहीं रही है मेहंदी कोरोना की वजह से। तो जी आइए अब आपको मेहंदी के ग्लिम्स दिखाते हैं शर्मिला की। जोड़ा भाई सबसे पहले तो बताएं कि ये वाला ग्रीन कलर का जोड़ा किससे बना? ये बंटो काजमी ने बनाया था, बहुत प्यारा है। और मेरी जब शादी 6 साल पहले हुई तो मैंने कहा कि मुझे पेशवास चाहिए कोटी वाली। उस वक्त फैशन में भी वही नहीं था, फैशन नहीं था, नहीं था फैशन में पेशवास और कोटी। तो मुझे कहा कि ये तो बिल्कुल लगेगा कि जैसे वो, मैंने कहा जिस तरह वो तो अच्छा, आई वॉन्टेड ट्रेडिशनल ना, क्योंकि पेशवास हमारी बड़ी ट्रेडिशनल पुराने। जैसे मैंने मायूं पे चट्टापट्टी का गरारा पहना था, वो मिसेस काजमी ने बनाया था, और वो गरारा उसका कॉपी था जो बंटो काजमी की अपने निकाह का था। उसमें छोटी छोटी टुकड़ियां थी, तो उनकी सास ने बनाया था। हाँ, उन्होंने कहा कि जी वो ये बड़ा अच्छा है उनका वो है, तो मैं ट्रेडिशनल पुराना चीज था ना, छोटी कमीज और गरारा चट्टापट्टी। हाँ। तो वो मैंने पहना। अच्छा, ये जब मैंने कहा, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी की शादी का सेट पहना है, धोरी जो सिंधियों में होती है। हाँ। ना धोरी हर चीज, मुझे उसमें ब्लू नहीं मिली। ओ नो, जैसे कहते रहते मैं जरूर दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। हाय, वो तो हर सिंधी ब्राइड के लिए इट्स अ मस्ट। तो नॉर्मली वो शादी पे पहनती, मैंने मेहंदी पे पहना, तो उसमें ब्लू ग्रीन और रेड स्टोन थे, तो उसके साथ मैंने फिर ये अपना ये मैच करवाया था। और पूरा जो सेटअप धोरी का ट्रेडिशन होता है ना कि लाइक जी सास से या अम्मी से मिलती है, एक सिंधी ब्राइड जो होती है। हाँ। मेरी वालदा सिंधी है, तो वो उन्होंने अपनी शादी पे पहना था, तो आई वॉन्टेड टू वेयर दैट ऑन वन ऑफ द ओकेजन। तो जब ये बना तो इसके साथ जो सेट लगा था ना, वो लगा था शर्मिला की प्रेम गली मेहंदी का, और पूरा हैदराबाद का बाजार बना था उसे, बकायदा स्टॉल से चूड़ियों के, हैंडीक्राफ्ट्स के। नाइस, वेरी नाइस। और बकायदा फिर मैं घोड़े पे आई थी, वो आपने दिखाया नहीं, जब मैं घोड़े पे आई थी वो दिखाए ना भाई, दिखाए जल्दी से घोड़े वाली चीज जो उसके ऊपर बड़ा एक वो ये जो घोड़े वाला, तो ये इस पर बड़ा वो शो। जो मेरी इवेंट मैनेजर ने पूछा कि आपकी एंट्री कैसे होगी मेहंदी में, तो मैंने कहा घोड़े पे, तो वो हंसी कहने लगी। अच्छा, मैंने कहा आई एम सीरियस, बैठ गई घोड़े पे, डर नहीं लगा? घोड़ा आया, श्वास पहन के घोड़े पे बैठना, घोड़ा बैठने नहीं दे रहा था। पहले एक दिन हमने प्रैक्टिस करी, तो कोई शोर वोर नहीं था घर के बाद, तो घोड़ा वॉज ओके, लेकिन जब मेहंदी वाले पूरा दिन शोर, घोड़े का शोर, हंगामा, बिदक तो नहीं गया घोड़ा? घोड़ा बिदकने वाला था।
अब मैं बैठने की कोशिश कर रही हूँ और घोड़ा हिल रहा है, मैं बैठने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर भी मुझे आधा घंटा लगा है घोड़े पे बैठने की वजह से भी ना। सारे मेरे दोस्तों ने, पापा ने, सबने घोड़े को पकड़ा हुआ था कि बस बीच में क्राउड इतना था, बीच में घोड़ा, हमने कहा घोड़ा किसी को लात मार दे या मुझे गिरा दे, पता चला शर्मिला मेहंदी पे जमीन पे चित पड़ी हुई है, पूरी वायरल हो जाए ना वो। यस, लेकिन वो, लेकिन आप देखिए मुझे मतलब लाइक टेंस नहीं लग रही, जैसे घबरा रही है। हाँ, अच्छा फिर घोड़ा रुक जाता था। अब देखिए मैं, अब अगर मेरी लिप रीड करेंगे मैं बोलूंगी आगे चलो आगे, घोड़ा घोड़े को कह रही हूँ आगे चलो घोड़ा, आगे चलो घोड़ा, रुक जाता था वो रश वश होगा तो बकायदा देख कर ना। ओए ओए, अच्छा घोड़े के आगे जो है ना शाजिया खुश गाना गा रही थी। अच्छा, गाने पे दाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तो मेरे हर इवेंट के ऊपर ना एक सिंगर जरूर था। अच्छा, माइयों पे कौन था? माइयों पे याद नहीं आ रही। हाँ। बहुत अच्छी खूबसूरत सी सिंगर है यार वो, सोच के मैं भी बताती हूँ। वो थी सनम मारवी तो नहीं? नहीं नहीं, सनम मारवी नहीं थी, एक मेल सिंगर, सॉरी मेरे निकाह के ऊपर वो थी, बड़ी अच्छी गजलें गाती है। निकाह के बाद, पहले निकाह हुआ, पहले नवाई हुआ था, फिर निकाह हुआ था। अच्छा, मायू पे हमारे बड़े अच्छे सिंगर थे शेजी साहब। अच्छा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गजलें वगैरह गाई और यू नो मायू के बाद गजलें हुई पहले वो जो प्रॉपर जितने महीनों से। हाँ, मैं अच्छा मैं डोली में आई थी मायू पे, मैं एंट्री मेरी डोली पे हुई थी। अच्छा, तो इट वॉज वगैरह कौन डिसाइड करता था कि क्या सेटअप? हाँ, शुक्र है, मेरे अम्मी अबू ने कहा तुमने अगर सेटअप डिसाइड करे तुम अपने बच्चों के उस पे कर लेना। हाँ, हमारे ये हमारा नहीं 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 नहीं, मैंने तो अपने बगैर शादी की दफा होनी है ना तो और मांग तो पूरे कर लें। हाँ। और माइयों पे सारा जो ऊपर जो पूरी छत थी वो झालर थी गेंदों की पूरी। हाँ। तो मैंने कहा येलो येलो ग्रीन ग्रीन हमारे पास, आई थिंक वो नहीं माइयों की नहीं। हाँ, so that was a beautiful setup. मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि पूरा गेट से लेके पूरा पूरा गार्डन और एंड तक पूरा वो झालर। वो आपने कहा था कि मुझे इस तरह गेंदा चाहिए, येलो सेटअप। हाँ, अच्छा मेहंदी का सेट, मेहंदी का उस पे क्या था लाइक? मेहंदी का हमने कहा था कि एक हैदराबाद का सिंधी बाजार। अच्छा, वो जो पूरा, हाँ, मुझे बताया। पूरा बाजार हमने उसको मिक्स किया था टर्किश और हैदराबाद बाजार के ना, जैसे और शर्मिला की प्रेम गली एंट्रेंस था। हाँ। और हमने पूरे बकायदा मैनिक्विंस रखे थे। अच्छा, और मैनिक्विंस जो है ढोल बजा रहे हैं, वो जो नहीं होते वो इलेक्ट्रॉनिक से जो चलते, पूरे लाइफ साइज मैनिक्विंस थे वो बने थे। और एक हमारे हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है बिलावल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर ये मैनिक्विंस ऑलरेडी होते हैं, तो वहाँ से हमने फिर इनको रेंट पे मंगवाया कुछ, तो वो बकायदा वहाँ पर वो लगे और मतलब इट वाज पूरी सड़क से लेके फिर अंदर जो गार्डन था। कर गई आपकी शादी, शायद पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था, क्योंकि आपकी बर्थडे भी उन्हीं महीनों में होती है ना, आप अक्सर गायब होती है जी। तो आपकी 7 फरवरी को बर्थडे होती शायद, 31 जनवरी। हाँ, तो बाहर जाते तो फिर वो पूरा हफ्ता तो बंदा लगा देता है। हाँ। तो आप क्या मेकअप किसने किया? अच्छा, मेरा मेकअप जो था मायू पे शमेन ने किया था। अच्छा, और मेहंदी पे और शादी पे और वलीमे के ऊपर लाहौर से मेकअप आर्टिस्ट आई थी। मतलब अभी हम मेहंदी का क्योंकि मेकअप दिखा रहे हैं तो ये किसने किया लाहौर की मेकअप? जी 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 जी, उनका नाम क्या? मरियम फाजा। मरियम, हाँ।